नमस्ते दोस्तों, विभास हॉबी चैनल में आपका स्वागत है। कभी कभी व्यस्त सुबह या थकी हुई शाम के दौरान जब आप कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो झटपट, स्वास्थ्यवर्धक, स्वादिष्ट और पेट भरने वाला हो तो आप इस रागी डोसा रेसिपी को जरूर ट्राई करें। इस वीडियो के अंत में मैंने आवश्यक सामग्रियों की सूची साझा की है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कटोरी रागी का आटा लें और उसे छान लें। फिर आधा कटोरी चावल का आटा छान लें और इसे रागी के आटे के साथ मिला लें। इसमें एक चौथाई कटोरी बारीक सूजी डाल दीजिए और सभी सामग्रियों को अच्छी तरह मिला लें। एक चम्मच या स्वादानुसार नमक डालें। इसमें आधा कटोरी खट्टा दही मिलाएं। एक कटोरी पानी डालें और अच्छी तरह मिलाएं। हमें इस बैटर को सामान्य डोसा बैटर से पतला रखना होगा, इसलिए एक कटोरी पानी और डालें और अच्छी तरह हिलाकर चिकना और पतला घोल बना लें। ढक्कन से ढककर 10 से 15 मिनट के लिए अलग रख दें। अब 15 मिनट हो गए हैं, देखिए बैटर अच्छे से मिल गया है। अब इसमें 3 से 4 बारीक कटी हरी मिर्च डालें और इसे मिला दें। एक कटोरी कटा हुआ प्याज डालें और आधी कटोरी कद्दूकस की हुई गाजर डालें और बैटर को मिला लें। अब डोसा बैटर तैयार है। तवा तैयार करने के लिए तवे पर चारों ओर तेल लगाएं और इसे अच्छी तरह से गर्म करें, फिर आंच धीमी कर दें। गर्म तवे पर थोड़ी ऊंचाई से एक कलछी डोसा बैटर फैलाएं। रिक्त स्थानों को भरने के लिए बैटर की एक और कलछी डालें। आकार के बारे में चिंता न करें। ढक्कन से ढकें और मध्यम आंच पर 1 मिनट तक पकाएं। अब आप रंग में अंतर देख सकते हैं, जिसका मतलब है कि डोसा पक गया है। डोसे के किनारों पर तेल डालें, डोसे को पलटें और दूसरी तरफ भी कुछ सेकंड के लिए सेकें। स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट रागी डोसा अब तैयार है। इसी तरह सारे डोसे बना लीजिए। रागी डोसा को नारियल की चटनी और मक्खन के साथ परोसें। अब इन स्वादिष्ट रागी डोसा को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री पर ध्यान दें। आशा है आपको यह वीडियो और रेसिपी पसंद आएगी। अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक और नई रेसिपी के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।